बदहाली के आंसू रो रहा है खटीमा का संजय रेलवे पार्क। आपको बता दें कि कुछ साल पूर्व स्टेशन रोड पर संजय रेलवे पार्क का निर्माण किया गया था, जिसमें बोटिंग की सुविधा दी गई थी। वहीं रात में लाइटें व पानी के फव्वारों से पार्क में चार चांद लग जाते थे। वहां जाकर लोग पूरे दिन की थकान मिटाते थे, लेकिन आज वहीं संजय रेलवे पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि साल में एक बार छठ पर्व यहीं पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस पार्क को छठ पूजा घाट भी कहा जाता है। लेकिन आज इस पार्क की स्थिति ये हो गई है कि फव्वारे खराब स्थिति में पड़े हैं, वहीं पानी में गंदगी और बड़ी बड़ी घासें तक उग गई हैं, और जो बोटें चलती थी वो कहाँ गई उसका आज तक पता नहीं है। मनोरंजन व खेलने कूदने के उद्देश्य से बना संजय रेलवे पार्क आज बुजुर्गों व बच्चों के उपयोग में नहीं आ पा रहा है। वहीं खटीमा रेलवे स्टेशन से लगा ये पार्क आज आने जाने वाले यात्रियों के लिए बस एक इमारत बनकर रह गया है। पार्क के चारों तरफ की बाउंड्री तो इतनी सुंदर लगती है कि कोई देखे तो देखता रह जाए, बस बाउंड्री के ऊपर रंग रोगन दिखाई नहीं देता। अब तो पार्क की सौंदर्यता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लोग यहाँ घूमना तो दूर, इसे देखना भी बमुश्किल आते हैं। जब इस बात पर खटीमा की आवाज़ न्यूज़ ने नगर पालिका यो मनोज दास से बात की तो उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से गंदगी आ गई होगी और आज ही सफाई करने के आदेश देने की बात कही। अब देखना ये होगा कि संजय रेलवे पार्क की हालत सुधरती है या पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहेगा। बजट तो नहीं आता है, हाँ ये बरसात की वजह से थोड़ा सा उसमें सिल्ट या कोई गंदगी आ गई होगी, तो उसको हम अपने कर्मचारियों से सफाई करवा देंगे। बरसात में चूंकि हम नालियों की सफाई वगैरह बरसात से पहले होती है, तो बरसात के बाद आप जब थोड़ा सा बरसात ये रुक गई है, आप उसकी सफाई हो जाएगी, सफाई कराएंगे उसकी, अब नहीं रहेगी वो। मैं आज ही आदेश कर देता हूँ, वो सफाई हो जाएगी।